Assalamualaikum boys, welcome back to another fully excited vlog. आज तो मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह का मौसम हो जाएगा बाहर. अभी मैं गाड़ी के अंदर इसलिए बैठा हूँ कि बाहर ना आपको आवाज आ ही रही होगी. नहीं, बारिश फुल हो रही है और इतनी ठंड पड़ गई. मैं हाफ बाजू नीचे शॉर्ट्स पहन के आया हूँ कि गर्मी होगी लेकिन ठंड फुल पड़ रही है. तो अभी लास्ट हमने टूर किया था नारान का अभी तकरीबन एक मंथ पहले. तो अभी दिल कर पड़ा है एक और करने का फैमिली के साथ. तो मैंने कहा क्यों ना आपको फिर एक साथ अपने साथ लेके जाते हैं और सारे नज़ारे दोबारा कराते हैं और इस बार थोड़ा अच्छे से करवाते हैं. तो वेलकम बैक आपका एक और ब्लॉग के अंदर और शुरू करते हैं बिना किसी वेट के. ये देखें जी गाड़ी के बाहर का नज़ारा. अभी हम हज़ारा मोटर पे हैं और ये पहला ख़यामत वाम है. दोनों अटक के पेट्रोल पंप आपने सामने हैं. ये होटल बंद है यहाँ पे और अभी हम यहाँ पे रुके हैं सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से जो कि बहुत 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 तेज हो रही है. एक गाड़ी हमारी सामने वो खड़ी है सामने की, एक अभी आ रही है वो पीछे है और तीसरी ये खड़ी है. हम तीन गाड़ियों में आए हैं और इतनी बारिश हो गई है कि हम साथ साथ थे फिर भी आगे पीछे हो गए हुए हैं. तो अभी वैसे नज़ारे तो नहीं मैं आपको दिखा सकता क्योंकि बहुत अंधेरा है. अभी रात के तकरीबन एक बज रहा है तो अभी जैसे दिन होते तो आपको नज़ारे भी दिखाएंगे. पहले कैसा लग रहा है? ठंडा भी है कैसा लग रहा है? और लोग आप करने हैं इन दोनों का एक दफा का मिशन है. इन्होंने मेरा सारा व्लॉग अगर आप करना है चेटने वाला पर आपको तमीज नहीं है? नहीं तमीज है कमीज. अभी वेटिंग में ही है. ये मेरी भाभी जो है घर से बना के लाई है. चाची क्या नाम है इसका? मार्बल केक. इसकी शेप चेक करें आप. लेनी बॉयज फाइनली तुस्से वगैरह भी निकल आए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और हम अभी बिल्कुल ही गर्म एरिए से आए हैं तो उस वजह से ये है कि ठंड ज़्यादा ही लग रही है. अभी बस चाय वगैरह आ गई है और चाय पीते हैं. अभी एक सेकंड ये आ गई हमारी चाय गर्मा गर्म. इसको ज़रा मिक्स वगैरह करें पहले कुछ ज़्यादा ही गर्म है. और टूर की मेन बात जो सॉरी किस्से को ज़रा इग्नोर करें क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई है. टूर की मेन बात कि जब भी आपके कहीं स्टॉप लगे गाड़ी में हमेशा पानी को कूलेंट को जरूर चेक करें. और हमारे लिए हमने मैकेनिक रखा हुआ है यहाँ पे. ले जी कूलेंट भी चेक कर लिया, रिजर्व वाटर भी चेक कर लिया और विंडशील्ड में भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया. बस ऑल कुड डू गो. चले अब सफर स्टार्ट करते हैं. लेडी बॉयज हमारा नेक्स्ट स्टॉप लगा है बालाकोट में जो कि अब सारी गाड़ियों की टंगियाँ फुल दोबारा हुई हैं स्पोर्टेज पिकांटो और ऑल्टो की. तो इसमें हमने इसलिए को सेंटर में लगाया है कि किया किया सुजुकी वालों तुमने क्या किया. असल में मैंने ये शेर बोलने के लिए ना इन दोनों गाड़ियों को निकलवाया और तीसरी इसको निकलवाया कि किया और किया सुजुकी वालों तुमने क्या किया. सारी फैमिली वहाँ पे जरा टांगे शांगे सीधी कर रही है, बच्चे जरा दौरे लगा रहे हैं. एंड दिस इज कॉल्ड लाइफ. अभी वो सामने वैसे पहाड़ है, अभी रात में नजर कुछ नहीं आ रहा यहाँ पे. तो मतलब यहाँ से जब हम निकलेंगे तो नारान के लिए अब नेक्स्ट तो दिन चढ़ गया होगा. उम्मीद है कि आगे से आपको नज़ारे मिलने शुरू हो जाएंगे. तब तक आप जरा गाड़ियों की नज़ारा ले लें. अभी काफ़ी गंदी हुई हैं सारी यहाँ पे. सबकी टंकियाँ सियालकोट से फुल करवाई थी हमने, उसके बाद सीधा बालाकोट आके तीनों की बात दोबारा यहीं से फॉलो हुई. गाइस चेक करें इतने ज्यादा बकरे के पूरे रोड में बकरे ही बकरे हुए हैं. वाओ ब्यूटीफुल. अभी हम नारान का गान रोड पे हैं और ये तकरीबन 100 मतलब हजार से ज्यादा ही होंगे बकरे माशाल्लाह.
Thanks to Allah, Ya Allah. Thanks to you, oh Allah, you are the greatest, oh Allah. Thanks for everything. I'm celebrating this beautiful day. You have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you for a wonderful day. ले बॉयज, अब फाइनली हम नरान के बिल्कुल पास सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर रह गए हैं। तो अभी मैं आप सबको वो नरान का जो न्यू रास्ता उन्होंने ओपन किया ना, जो टनल भी है और आपको जो डैम बन रहा है चाइनीज़ का, उनको ज़्यादा आपको रोड ख़राब से भी गुजरना नहीं पड़ेगा। अभी तो वैसे काफ़ी रोड ख़राब है, वो वाला हिस्सा तो है, लेकिन अब जब डैम टनल आएगी तो आप सबको वो वाला हिस्सा भी दिखाता हूँ। लें जी बॉयज, ये वो रास्ता है, पहले था नरान का पुराना रास्ता इधर नीचे से होके, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने एरो लगा दिया है और दूसरा अब जो न्यू रास्ता है वो ये है, और उम्मीद है कि उससे तो काफ़ी बेहतर होगा, वो तो बस ना ही पूछें। तो अब यहाँ पे आगे जाके एक टनल भी आएगी जिसको हमने क्रॉस करना है, और रोड तो सही है। पहले हम वहाँ नीचे होते थे और उसके ऊपर उन्होंने डैम के जो बिल्डिंग सारी उन्होंने बनाई हुई थी उसके ऊपर से हम क्रॉस करके आना पड़ता था, बट अब ये बन गया तो ये काफ़ी ईज़ हो गया है। क्या बात है नए रास्ते की। लें जी बॉयज, 2 मिनट नहीं लगे साथ ये टनल आ गया, और अब हम इसके बीच से लाइट्स वगैरह ऑन कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। ये अब हो गया है नरान का 4th टनल। पहले 3 आते हैं हज़ारा मोटरवे में, 1-2 बड़े आते हैं और 1 छोटा आता है, और एक अब ये एक छोटा टनल और बन गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। नरान का सफ़र कह लें कि आप 20% और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है पहले की नस्बत। और ये साथ ही दिन का उजाला और रोड बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, मतलब कि अगर उस रोड की नस्बत देखा जाए तो ये परफेक्ट है, आप इसमें कोई दो राय कर ही नहीं सकते। चलें, अब आपसे मुलाकात होती है नरान पहुंच के, क्योंकि अब भूख लग गई है बहुत ज़्यादा। मेरी शक्ल से आपको पता नहीं लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो, पेट में चूहे तो हो रहे। तो अब नरान पहुंच के मुलाकात होती है। ज़्यादा खुश हो रहा था ये 7 ही टनल के बाद इन्होंने भी रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है आई थिंक, तो अभी इन्होंने मैं दोबारा नीचे उतार दिया कि वापस थोड़ा सारा जलील हो लो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम पाकिस्तानी हो, वरना हम अभी मैं टनल के बीच घुसा था ना तो मैं अपने आप को यूरोपियन समझने लग गया था वैसे लेकिन अभी 2 सेकंड भी इन्होंने मेरी खुशी नहीं रहने दी, तो अब वही ख़राब रोड है और वही नीचे है, लेकिन मेन जो एरिया वो गुजर चुका है, बस ये कह लें अब आगे फिर नरान का 10-12 किलोमीटर जो है वो थोड़ा रास्ता ख़राब ही मिलेगा हमें। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं, और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, जो व्यू है ना, पहाड़ है, पहाड़ों की गोद है, और वो है सारा शहर पहाड़ों के बिल्कुल बीच में। माशाल्लाह, सारे पैसे इस व्यू में। पहुंच गए, तीनों गाड़ियाँ सामने लाइन से लगा दी हैं, और सामान वगैरह रूम्स में रखने के बाद सामने पहले व्यू एंजॉय मारे। अब भूख कुछ ज़्यादा लग गई है तो अब नाश्ता करेंगे सीधा जाके, उससे पहले यहाँ पे रैबिट घूम रहे हैं, आपको ज़रा रैबिट दिखाता हूँ वो बक अभी कछुआ पता नहीं कहाँ पे है, रैबिट और कछुए की एक साथ दौड़ भी होती है वो बग जी अब मेरे पीछे व्यू आप चेक करें, और अब सीधा चल के आपको नाश्ते में मिलते हैं। हमारी किस्मत देखेंगे, सामने होटल है हमारा, और होटल के सामने ही हमें नाश्ते की जगह मिल गई है, और ये लोग बैठे हैं हमारी प्यारी अभी आयत और जोया,
और अगला एक बच्चा है छोटा सा फलक, और एक वो सामने है मान जो कि अपने से बड़ी जैकेट पहन के बैठा हुआ, और एक ये भी है उमर शहजादा। ले जी नाश्ता आ गया, अभी अंडे आ गए और चने आने वाले हैं और हलवा पूरी भी आने वाली है। ये ले जी गर्मा गर्म चने भी आ गए, अब जरा नाश्ता कर लो फिर मुलाकात होती है। ले जी बॉयज नाश्ता कर लिया और अब सब रूम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लगातार 17 से 18 घंटे ड्राइव की है, सफ़र की है, और अब बस जाके सोने। शहजाद भाई गाड़ियों से सामान निकाल लिया, गाड़ियाँ सेफ हैं यहाँ पे, ओके, क्योंकि ये होटल जाने वालों का ही है तो पेट्रोल पम्प है उसके साथ ये एंट्रेंस है और गाड़ी अंदर पार्किंग में सेफ है। और ये होटल है सामने, और ये सामने सिटिंग एरिया है, और पीछे का व्यू क्या ही बात है इसकी। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होती है कल अगले रूट पे अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।